दोस्तों स्वागत है आपका डी एस निक वीडियो में तो आज जो मैं आपके लिए लाया हूँ वह है पी एन बी में अकाउंट कैसे खोला जाए जबकि ऑनलाइन आप पी एन बी में अकाउंट खुलता नहीं है तो आपको क्या करना पड़ता है ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है चाहे वो विद्यार्थी का फॉर्म हो जूनियर का फॉर्म हो या नॉर्मल सेविंग अकाउंट का फॉर्म हो ये सारा फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना पड़ता है जिसमें से आपको आधार कार्ड पैन कार्ड चाहिए होता है तो ये आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड पैन कार्ड और एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी जो कि आप इस पर रजिस्टर कर सकते हैं और एक टी नंबर जनरेट होता है जो कि आपके मोबाइल नंबर पर जाता है तो इसके आगे प्रोसेस जो होता है वो टी नंबर से होता है तो एक ई मेल फ़ोन नंबर आधार कार्ड अगर पैन कार्ड हो ना हो कोई बात नहीं पर हाँ आधार कार्ड होना जरूरी है एड्रेस प्रूफ आईडी प्रूफ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ जो भी है इसमें होना ज़रूरी है तो चलिए इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे अप्लाई करें पी का और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा देना और ताकि वीडियो इस तरीके का मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं तो हम आ गए अपने डेस्कटॉप पे डेस्कटॉप पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले यहाँ डालेंगे पी ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग आप ये भी डाल सकते हैं तो डालने के बाद यहाँ पे सबसे पहला जो लिंक आएगा ओ एस ओ ओ एस ए का तो इस पर क्लिक करना है उसके बाद पहले नंबर पे यहाँ पे क्लिक कर देना है ऑनलाइन अकाउंट वाला यहाँ पे आपको सिलेक्ट स्टेट सिटी ब्रांच ये सारे करने हैं जैसे मैं दिल्ली से कर रहा हूँ तो दिल्ली और सिटी में भी यहाँ पर सेंट्रल दिल्ली नॉर्थ वेस्ट जैसा भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं पर पर आपका बैंक आना चाहिए उस एरिए में जैसे नॉर्थ वेस्ट दिल्ली डाला तो यहाँ पे वो एरिए में जितने भी बैंक होंगे नॉर्थ वेस्ट में वो सारा बैंक यहाँ पे आपको दिखाई देगा तो आप यहाँ पे कीबोर्ड से अपने एरिए का नाम जैसे ही डालेंगे चार पांच वर्ड वो ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा तो यह ढूँढना चाहें तो आप ढूँढ सकते हैं तो यहाँ पर अपना बैंक कस्टमर नेम नीचे जैसे देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये डालने के बाद जैसे यहाँ पे प्लीज़ सेलेक्ट अकाउंट टाइप अकाउंट टाइप जो है डोमेस्टिक है एनआरआई अगर आप आउट में रहते हैं इंडिया से तो एनआरआई डाल सकते हैं पर हमारा डोमेस्टिक है कस्टमर नेम और कस्टमर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पे डाल दें तो दोनों जो है ये एग्जैक्ट सही होना चाहिए तभी आपका सही से काम करेगा जिस पर टी सी आर ए नंबर जहाँ जाएगा तो यहाँ ई मेल आई डी डाल दें ई मेल आई डी डालने के बाद यहाँ पर दोनों पर आपको टिक करना है तो यहाँ पे दोनों पे टिक करने के बाद जो भी आपका कैप्चा होगा यहाँ डालना है उसके बाद कर देना है सबमिट तो आपके रजिस्टर्ड जो आपने अभी मोबाइल नंबर डाला था तो उस पर टी सी आर ए नंबर जाएगा मैसेज में तो वो टी सी आर ए नंबर यहाँ पर निकाल के डाल दीजिए उसके बाद आगे का ऑप्शन आ जाएगा तो यहाँ पे अपना टी सी आर नंबर डाल के सबमिट करना है तो ये आगे का आपका पर्सनल डिटेल वाला सेक्शन खुल जाएगा तो यहाँ पे इतने सारे अकाउंट है सेविंग फैन अकाउंट विद्यार्थी अकाउंट नीचे जूनियर अकाउंट बाकी अकाउंट सारे बकवास है वो आपके काम की चीज़ नहीं है अगर आपका स्कूल से सर्टिफिकेट मिल रखा है मतलब अकाउंट खुलवाने का तो विद्यार्थी अकाउंट पे सेविंग अकाउंट पे जाएंगे और अगर स्कूल से नहीं मिला है तो जूनियर अकाउंट पे जाएंगे तो ये जो कस्टमर आईडी है ये स्टार्टिंग में नो ही रखना है ये बाद में काम आएगा तो यहाँ पे जूनियर अकाउंट सेलेक्ट कर देंगे क्योंकि स्कूल से हमें नहीं मिला है अब यहाँ पे मिस मिस्टर श्रीमती इस तरीके से यहाँ डाल देना है तो यहाँ पे नाम डालेंगे नीचे फादर नेम डालेंगे फिर डेट ऑफ़ बर्थ फिर जेंडर तो इसे हम मैं डाल लेता हूँ उसके बाद आगे देखते हैं तो यहाँ पे डेट ऑफ़ बर्थ डालने के बाद आपका जो भी मेल या फीमेल ये सिलेक्ट कर लीजिए उसके बाद मदर नेम आपका है तो मदर नेम डाल दीजिए एप्लीकेंट मैरिट स्टेटस बच्चे का भर रहे हैं तो वो सिंगल ही होगी उसका रिलीजन हिंदू कैटेगरी जो है जो भी आपका अगर जनरल है तो जनरल बनना है एस सी एस टी ओ बी सी इस तरीके से यहाँ पे डाल सकते हैं अब यहाँ पे ऑक्यूपेशंस में आप अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट डालेंगे वरना हाउस वाइफ है हाउस वाइफ डालेंगे वैसे हम बच्चे का भर रहे हैं तो यहाँ पे हम स्टूडेंट डाल देंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आप आराम से बैठ के या इस इसको रोक के आप पढ़ सकते हैं तो अदर भी करके यहाँ पे डाल सकते हैं तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट डाल दिया एनुअल इनकम में आप साठ हज़ार डालना जरूरी है टोटल टर्नओवर में पाँच लाख से नीचे ही रखें ज़्यादा रखिएगा तो आपसे फिर मांगा जाएगा यहाँ पे आपका पैन नंबर और यू नंबर मतलब आधार नंबर यहाँ पर डाला जाएगा नेशनलिटी में आपका यहाँ पर इंडियन आ जाएगा नेशनैलिटी में इंडिया रेसिडेंट स्टेटस में क्या होगा रेसिडेंट इंडिविजुअल और मोड ऑफ ऑक्यूपेशन सेल्फ रहेगा और अगर शादी हैं तो वहाँ पे डाल सकते हैं वरना कोई ज़रूरत नहीं है उसके बाद एड्रेस में यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है इसमें आपको एक भी स्पेस या डॉट वॉट कुछ भी नहीं देना जो कि अभी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ चाँद उंच के दिखाने के लिए अगर हम ये डालेंगे तो ये वापस बाहर फेंक देगा मतलब वापस इसी जगह पर ले आएगा तो ये दोनों सेम कर देना है और आइडेंटिटी में आधार कार्ड डालिए यहाँ पे आईडी नंबर में आधार नंबर डालिए उसके नीचे एड्रेस प्रूफ में एड्रेस डालिए मतलब आधार कार्ड उसके बाद फिर आईडी प्रूफ इज सेव एंड प्रोसीड जैसे करिएगा वापस यही वाला पेज यहाँ पे आ जाएगा तो इसमें इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने जो एड्रेस करा था वो गलत करा था तो और ये अगर बाई चांस ऐसे वापस आता है तो ऊपर से चेक कर लें क्योंकि कुछ गलतियाँ ऊपर भी हो जाती है अब जैसे यहाँ पर यह है स्पेस यहाँ पर हटा दिया यह स्पेस अगर आप रहने भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और जैसे स्टेट यहाँ पे दिल्ली देखिए सिटी यहाँ पे गायब हो गया है तो दूसरा कंट्री सेलेक्ट करिए फिर दिल्ली फिर उसमें ऑप्शंस आ जाएगा तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बताने की कोशिश करी है ताकि आपको कोई भी परेशानी या कोई भी दिक्कत ना आए तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऑनलाइन वाला फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं जो कि बहुत सारे लोग को पता नहीं है और पता भी है तो आधा अधूरा पता है कि ऐसी दिक्कतें आती क्यों हैं तो आपको इसी वीडियो में सारा नॉलेज यहाँ पे मिल गया अगर अभी तक अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें और यहाँ पर माइनर वाला आगे बढ़ गया आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर माइनर वाला डिटेल डालना है जैसे कौन गार्डियन कौन है तो यहाँ पे जो भी है गार्डियन का नाम वहाँ लिख देना है रिलेशनशिप फादर फिर वो है आपका फादर का जो भी एड्रेस है यहाँ पे डाल देना है एड्रेस डालने के बाद नॉमिनी में यहाँ पे कोई कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है बस आपके पास एक पासबुक होना चाहिए जो कि आपके फैमिली मेम्बर में से किसी का हो तो वो पासबुक यहाँ पर लगेगा यहाँ चेकबुक पर यहाँ पर फी एफ एफ ए टी सी ए में डालना है नो उसके बाद सेव एंड प्रोसीड अगर कभी बाई चांस सेव एंड प्रोसीड नहीं आता है तो ऊपर रीलोड कर सकते हैं तो वापस आ जाएगा अब यहाँ पे देखिए गार्डियन पर्सनल डिटेल आ रहा है तो यहाँ पे आपको कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है यहाँ बस आपको एक जो पासबुक जैसे पापा का डाले हैं तो पापा का आपका कस्टमर आईडी नंबर डाल सकते हैं जिसमें पीएनबी में अकाउंट होगा उसमें डाल सकते हैं या मदर का डाल सकते हैं तो बस वो आई नंबर डालिए और नीचे सेव और एग्ज़िट मतलब सेव कर दीजिए तो जैसे ही हमने डाल दिया अब यहाँ पे प्रोसीड करेंगे तो हमारा ये बन के तैयार हो जाएगा तो यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड जैसे ही करेंगे तो बस यहाँ पे आपको एफ़ ए टी ए वाले में नो और नीचे जाएंगे तो जैसे यहाँ देखिए नीचे उसका ऑप्शन नहीं आया तो हम इसको रीलोड करेंगे तो इस, इस वीडियो में मैंने सारा चीज़ करने की कोशिश करी है बताने की अब यहाँ पर हम करेंगे रीलोड रीलोड करने से ये चीज़ आ जाएगा तो आपको दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जैसे हमने रिलोड किया इसको नो अब देखिए यहाँ पे नीचे आ चुका है तो इसको सेव अब ये वाला टी सी आर एन नंबर जो है जो आपके मोबाइल पे गया था ये वाला पेपर लेके जाएंगे प्रिंट कर लीजिएगा और टी सी आर एन नंबर इस पर फ़ोन नंबर लिख के और आपका ये चीज़ हो जाएगा तो ये देखिए इस तरीके से प्रिंट करना है प्रिंट करने के बाद ये आपको लेके चले जाना है एक फ़ोटो और सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो इस तरीके से ही फॉर्म भरना था जिसमें से आपका जो है सारे डिटेल आ, मिल चुका होगा अगर कोई डिटेल बाकी रह गया है तो प्लीज़ वो कमेंट में पूछें तो मैं आपको बता सकता हूँ तो वीडियो कैसा लगा ये प्लीज़ कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें, करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें तो ताकि आपको इस तरीके का नॉलेज यहाँ पे मिलता रहे तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद